हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग टू चैनल। तो भाई क्या अभी हम तैयारी कर रहे हैं अपने काम पे निकलने की। तो अभी सोच रहे थे कुछ मजाक मस्ती करते चले अपने लड्डू के साथ। कुछ गेम सोचा है मैंने अपने माइंड में और ये सब बताऊंगा अभी, देखता है कंप्लीट कर पाती नहीं पाती। हाँ भाई, पानी की बोतल दो। क्यों पीना है? यस, लाओ पानी की बोतल। आपके पास एक गेम, मेरे एक माइंड में गेम आया है जिसे आप क्या कंप्लीट करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, और वो भी पूरे 500 रुपये। है तो दिखाओ पहले। 500 रुपये ये रहे, 500 रुपये। कैसे कैसे जी लोग, तो कैसे जीत लो पूरे पाई? ये 500 रुपये आपको मिलेंगे। पर तो नहीं, इसके लिए गेम, मैंने क्या कहा, भी गेम है मेरे माइंड में और इसको पाने के लिए आपको गेम खेलना पड़ेगा। जैसे कि जैसे कि मान लो ये पानी की बोतल है, ठीक है, ये पानी की बोतल है और ये मैंने इस पे रख दिया। आपको बिना बोतल छुए हुए और ना ही बोतल को उठाना है और ना ही बोतल हिलनी चाहिए, आपको 500 का नोट निकालना है। तो फिर ये 500 के नोट मेरे हाँ, फिर ये 500 का नोट आपका हो जाएगा पक्का पक्का श्योर, बिल्कुल 1% कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ना ही बोतल हिलनी चाहिए ना ही उठनी चाहिए, और 500 का नोट आपको निकालना है इसमें से। अगर निकाल लिया तो ये 500 का नोट आपका। लेकिन मुझे पागल समझ रखा है आपने, पागल क्या पागल, क्या समझ रखा है। बोतल पे गोंद लगा के लेके आए हो ना? हाँ ओ, बोतल में गोंद कहाँ है, देखो कहाँ है, देखो देखो देखो, कहाँ है? अरे अरे, ये क्या बदतमीजी उठा थी लिया भाई, ना मैंने अभी कहा था पागल। कोई चीटिंग नहीं। हाँ कोई चीटिंग की क्या बात है, आपने कहा था बिना हाथ लगाए अबे बोतल भाई देखना यार, कैसे पागल बोला है इंसान ने। आपने कहा मैंने था, तो स्टार्ट भी नहीं करा गेम। आपने कहा था, नहीं स्टार्ट हो गया था, आपने बोल दिया था कि बिना हाथ लगाए 500 रुपये निकालना है, और मैंने बिना हाथ लगाए कुछ भी कुछ करे मैंने अपने 500 रुपये उठा लिए। तो ऐसे पागल बना का, ये तो चीटिंग हुई ये फिर, पागल नहीं हुआ, ये दिमाग का खेल है। दिमाग। अरे तो चीटिंग भी तो करी, मैंने तो स्टार्ट भी नहीं करा अब तो गेम। हो गया, यार यार, ये तो 500 बटन लग गए, देख रहे हो यार कितना तेज दिमाग है इंसान का तो आप क्या सोच रहे थे मैं पागल हूँ? ऐसे कौन भाई, उठा लेता इतना है? तेज दिमाग यार, बताओ, मिनटों में पागल बना दिया यार भाई। इनसे तो कोई नहीं जीत सकता भाई, तुम दुनिया में किसी से भी जीत जाओगे पर इनसे कोई नहीं जीत सकता, है ना। एक और रखो ना, कैसे पागल बनाया भाई एक और रखो यार, ना, है एक और रखो ना। क्या रखो। हाँ बस ये एक को रखो ना, और अब तो मैं फिर पागल बन ही जाऊंगा। नहीं है कुछ और गेम कर लो, देखो फिर ले लूंगी मैं आपके आपके ना। 1,500 का नहीं, कम से कम 1,000 का रखना, ठीक है? अच्छा, ताकि आप फिर पागल बना के फिर ले लो। है वैसे तो आप भाई, इनके देते हो, तो है, वैसे तो आप देते हो कम से कम, ऐसे तो ले सकती हूँ ऐसे तो मैं देता नहीं हूँ ना। ना। नहीं देते आप, ये इंसान लेता भी रहता है और मना भी करता रहता है। रहने दो, मेरे 350 रुपये कब के हो रहे हैं कम से कम? ये 350 के देख रहे हो भाई, आपने देखा होगा, लोग 6100 रुपये बना रखे हैं। हाँ तो हैं, दो 350 का बताओ कितनी पलंटी जोड़ रखे हैं। गाइस, 350 गाइस लिए को थे, सब 350 ही मिलेंगे गाइस को पता है क्या। मूल और ब्याज। हाँ, मूल और ब्याज देख रहे हो भाई, अपना घर में ही मूल और ब्याज। हाँ मूल और ब्याज चलता है साढ़े तीन हमारा, सौ रुपये दिए थे, 350 रुपये मिल जाएंगे। नहीं 6100 रुपये तो बच रहे हैं। चलो 350 में से आपको दे दूंगा 450। नो, पौने 400 क्या होता है? अरे 450 बहुत ज़्यादा होते हैं, नहीं चलो 450। ब्याज वगैरह लगा के 1 महीने का 6100 रुपये बैठ रहा है तो नहीं, साफ बात अरे है। 6100 से ज़्यादा है 450। नो हाँ, 450 6100 से आप ज़्यादा है, मेरा ब्याज कर्जा उतार रहे हो या नहीं उतार रहे? कर्जा लेके तो बैठे हुए हो, पौने बोझ पाँच आपको दिखता नहीं है? बोझ नहीं होता आपके सर पे? चलो आपको दे देता हूँ 0059। 0.05। हाँ वर्दी, नहीं ये तो हाफ वर्दी भाई, अब नहीं जीरो 0.059 जीरो मतलब 59 रुपीज। फाइव नाइन अब तो हाँ वर्दी भाई, नो नो, अब कोई मैटर मेरे को नहीं ऐसा है। लगा कि 1.059। नहीं, अब तो कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर अब नहीं तो है, हो मुझे गया नहीं भाई। पता, मुझे नहीं हाँ पता। वर्दी अब तो, नो और व्लॉग में भरी है वो भी अपने। हाँ नो अब तो हो गया भाई, नो, नो क्या। अब मुझे गाइस मेरे को देने हैं बस 59 रुपीज़। तो खुद ही रख लो, आप क्या खुद ही रख लो। खुद ही रख लूँ? नहीं, वो आपके लिए है। नहीं आप खुद ही रखो, तो आपने क्यों कहा भी ठीक है, पहले तो सुन और तो सिर ले पे तो दे, ठीक कह तो देती हो ना पहले आप।
तो पहले सुनते फिर हाँ बोलते, ठीक है? मुझे नहीं पहले ही पता। बोल दिया है? 61 चलो 61 ले लेना बस। हंड्रेड 61 बोले ना गाइस अभी। नो ये इतने चिटिंग खोर है ना, इतने मैं चिटिंग चिटिंग खोर। खोर, और क्या, मैं चिटिंग खोर नहीं अभी 61 बोला फिर गई हैंड। गाइस, ये मुझे पागल बनाता है, ये बहुत बेकार हो चुके हैं। मैं ही पागल बना रहा हूँ, मेरी सही तो कह चिड़ी रहा वाली हूँ। लड़की को ऐसा तंग करते हैं, देखो ना, सीधी सादी गाइस देख लो, देखे आपने कभी लड़की? मैं देखो दिखाता हूँ सीधी सादी गाइस। ठीक है देखो कितनी सीढ़ी हो। घर में उधम मचा दे, 2 मिनट में घर ना इधर उठा दे। बहुत इतनी इतनी सीधी है, कहने का मतलब मेरा ये है। घर में उधम उतारने का क्या मतलब है? आपके घर को चला रही हूँ मैं? ओह वाह भाई, मैनेजर है मेरा फिर ये तो। तो मैं ये चाहता ना, मैं घूम लेता अभी तक मनाली। मनाली घूमे आते नहीं तो अकेले अकेले तो अकेले अकेले किस में जाते? बस में आप ऐसे करते, पैदल पैदल जाते अकेले अकेले। यात्रा करने जा रही हूँ क्या? मनाली जाते कि आपको बर्फ देखने के लिए अगर जाना है तो पैदल जाना पड़ेगा। किस मैं तो उसमें चली जाती, में? मेरे पे साइकिल चलाने नहीं आती, साइकिल चलाने नहीं आते? नहीं तो मैं ना धीरे तो धीरे पैदल धीरे। चलना तो आता है, हाँ पर रास्ता नहीं पता ना, तो मैप में लगाओ रास्ता और चलते जाओ। पागल हुई टक्कर खा के कहीं गिर गई आज के टाइम में तो। इतनी टेक्नोलॉजी है, मोबाइल में मैप है, मैप में रास्ता लगा और चलते हाँ जाओ। बीच में दीवार आ गई तो पिच मैच के दीवार है, मैप नहीं है, रोड से रास्ता बताएगा। नहीं वो घुमाता रहेगा मुझे दिल्ली, मैं दिल्ली से बाहर नहीं निकल सकती। अरे निकलोगे ना मैं बता तो दिया मैप के जरिए। मैं अपने नहीं चलाना आता, मैं इतनी बड़ी हो यार गई मैप मुझे भी नहीं नहीं। चलाना आता बता इंसान को। चलो वो हम सिखा देंगे। मैं जब मैं आपके साथ जाती हूँ और आप मुझसे कहते हो मैप देखो मैप देखो, मैं ऊपर वाला देखो या नीचे वाला देखो, एक बार यार बताओ। इंसान को ये, मैं जैसे स्कूटी पे जाते हैं हम तो फोन पकड़ा देता हूँ, भाई मैप में रास्ता बता ना, लेफ्ट बता रहा है राइट? अगर वो लेफ्ट बता रहा है ना, तो मान लो अगले वाले कट से लेफ्ट बता रहे, तो पहले वाले कह गए लेफ्ट बता रही है इसे, और फिर देखता हूँ ना मैप में तो भाई वो आगे वाला मिलता है। इस इंसान को इतना अच्छा मैप देखना आता है ना, इतना तगड़ा, मैं पूछो मत। तुम लेके जाओ ना तो कहीं से कहीं पहुँच जाओ। देखना मैंने कितनी बार कहा है, तो और सबसे सीखो पहली बार सीखो ना स्कूटी मैप देखना। पे, स्कूटी मैप पे सीखना सुनो तो ना बहुत सुनो, ज़रूरी है। आपकी मुझे सबसे गंदी बात पता कौन सी लगती है? कौन सी? स्कूटी चलाते रहोगे, अरे हम जा रहे हैं घूमने जा रहे हैं, ठीक है घूमने जा रहे हैं, पीछे मुझे मैप लेके बिठाता हूँ, मुझे टेंशन हो जाती है। अब मैं मैप पे यार बिठा भाई रखूँ, दिल्ली के रास्ते मुझे नहीं पता, तो मैप के सहारे चलना पड़ेगा। ना इंसान कहता कि भाई मैं इंजॉय कैसे करूँ, मैं मैप देखूँ या इंजॉय करूँ? पता इंसान क्या स्कूटी पे इंजॉय करे भाई, रास्ता तो पहले पता होना चाहिए, पहले लोकेशन पता पहुँचे हम जहाँ जाना है। भाई मुझे मैप से ना मुझे दिक्कत होने लगती है, मुझे टेंशन हो जाती है मैप से, उधर भी रास्ता बताता और ऊपर वाला ऊपर भी जो जो 300 किलोमीटर कुछ ऐसे लिखा था वो बताऊँ या वो वाला बताऊँ? आप एक काम करो, अभी चलेंगे ना नेक्स्ट राइड पे, मैं तो नहीं पकड़ू, जब आप देखना मैप, मैं मैं नहीं सिखाऊंगा, पकड़ूंगी, मैं दिखाऊंगा, नहीं मुझे नहीं सीखना, मुझे बोर लगता है वो। सीखना पड़ेगा। नो तो फिर गाइस से मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, इन्हें बताएंगे कि कैसे मैप आपको सिखाया मैंने नहीं, आपको, मैं नहीं ठीक सीख है? रही। नो बिल्कुल सिखाएंगे। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।